यहाँ कल से कबीर पंथ का सत्संग समारोह का आयोजन है जो लगातार हो रहा है, उसमें मिलने भेंट करने के लिए आज आया हूँ। साथ में काफी दिन से आ नहीं पाया था, मेरे तरह लगातार व्यस्तता के चलते मैं सोचा था एक दिन दिन भर रहूं, सबसे मिलूं जुलूं, पर अभी थोड़ी व्यस्तता ज्यादा है इसलिए नहीं आ पाया था। तो मेले में आज मेले के नाम से आया हूं, लेकिन सबसे मिलना है अभी दिन भर, और कोई खास काम नहीं। देखिए, लगन हो, लक्ष्य साफ हो, सोच ठीक हो, विचार ठीक हो, तो सब आसान हो जाए। जीवन में कभी महत्वाकांक्षा पाला नहीं, तो जिम्मेदारी मिलती है उसको मन से पूरा करता हूँ। विभाग जो मिला है काफी बड़ा विभाग है, सेंसिटिव विभाग भी है, पर मुझे विश्वास है जनता के स्नेह काफी रहा मेरे साथ। मुझे विश्वास है कि मैं सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से कर लूंगा और पूरे प्रदेश में समाज दे पाऊंगा, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। चंडा थाना के 2015 में एक मामला हुआ था, एक फैमिली को तीन लोग थे जिसको किडनैप किया गया था, उसके बाद उसको मारपीट करके जहर पिलाया गया, उसमें आरोपी को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। 2015 का मामला, तो ऐसे मामलों में क्या चंडा थाना बिलासपुर। देखिए, मेरे जानकारी में जो बातें आएंगी उसको मैं जांच कराऊंगा, और कहीं पे चूक हुई हो या पुलिस वालों की गलती हो तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, एक चीज नक्सलवाद को लेकर आप हमेशा मुखर रहे हैं, अब कुछ सरकार में आ गए हैं, कैसी चुनौती नक्सलवाद को, खास करके जो आपने बोला था कि वो एक समस्या जो राजनीतिक समस्या भी हो गई है, इसको क्या बोलेंगे सर? देखिए, नक्सलवाद हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या तो है, लेकिन अभी हम लोग अलग अलग ढंग से उस पर मंथन कर रहे हैं, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर हम लोग निर्णय करेंगे। चूंकि ये गोपनीय मामला होता है, कॉन्फिडेंशियल मामला, इसलिए रणनीति के विषय में या किए जा रहे कार्यों के विषय में मैं सार्वजनिक रूप से